नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको डायबिटीज में किस टाइप का डाइट फॉलो करना चाहिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएँ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि हाई शुगर लेवल हमारे खून में जम जाती है। अगर किसी की डायबिटीज़ की डायग्नोसिस हो गई हो तो सब लोगों के दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि अब हम खाना क्या खाएं। डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए एक अच्छा हाईली न्यूट्रिशियस खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। दवाइयों के साथ ही साथ एक अच्छा न्यूट्रिशियस खाना डायबिटीज़ को बहुत इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है। एक बात बहुत ज़रूरी होती है, अगर आपकी डायग्नोसिस हो चुकी है तो आपको अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाना बहुत ज़रूरी है। हाईली फैटी खाना अवॉइड करें, खाना रेगुलरली ऑन टाइम खाएं, मील्स को स्किप ना करें। टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में वेट लॉस डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप वेट लॉस करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक अपने आप से कंट्रोल में आ सकती है। एक डायबिटीज़ के डाइट में बहुत ज़रूरी होता है कि दिन के 3 बड़े मील्स अच्छी तरह से खाए जाएं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को रेगुलरली ऑन टाइम खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खाना सही समय पे खाते हैं, हर रोज़ सेम समय पे खाना खाते हैं तो आपके शरीर में से इंसुलिन को अच्छी तरह से रेगुलेशन मिल सकता है और इंसुलिन अच्छी तरह से यूज़अप हो सकता है। खाने के द्वारा जो भी कैलोरीज खाते हैं वो कैलोरीज सोच समझ के काउंट करके कंज्यूम करें। एक्स्ट्रा कैलोरीज शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। डायबिटीज़ की एक थाली बनाने के लिए सही टाइप की कार्बोहाइड्रेट्स, सही टाइप के फैट्स, फाइबर रिच फूड, इन सब चीज़ों को चूज करना बहुत ज़रूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से खून में शुगर की लेवल नहीं बढ़ सकती, जैसे कि वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स पल्सेस यानी कि दाल या फिर मूंग, चने, ऐसे कुछ चीज़ों को खा के कार्बोहाइड्रेट की लेवल भी मेंटेन हो जाती है और ब्लड शुगर की मात्रा भी कंट्रोल में रहती है। डायबिटीज़ के लिए होल ग्रेन्स का कंजम्पशन करें, लो फैट डेयरी को कंज्यूम करें। अगर आप दूध या दही ले रहे हो तो ये लो फैट वाला कंज्यूम करें। अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह से अवॉइड करें, जैसे कि शुगर ड्रिंक्स, कोलास, इन सब चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करें। फाइबर रिच खाना खाएं। फाइबर हमारे शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। इनफैक्ट फाइबर शरीर में मौजूद एक्सेसिव शुगर को अपने साथ बाइंड कर लेता है और फिर ये शरीर के बाहर एक्सक्रीट भी कर लेता है। हाई फाइबर फूड यानी कि फाइबर रिच फूड कंज्यूम करने के लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाएं। वेजिटेबल्स को सैलेड के फॉर्म में खाएं, रॉ फॉर्म में खाएं। लेग्यूम्स और पल्सेस को भी कंज्यूम करें। होल ग्रेन्स भी फाइबर से भरपूर होते हैं। नट्स को कंज्यूम करें। मेथी के दाने फाइबर से काफ़ी अच्छे रिच होते हैं, इसीलिए अगर आप कोई हैवी खाना खाने वाले हो तो खाना खाने से पहले एक चम्मच मेथी के दानों को चबा के खाएं। अपने हर मील में सैलड की मात्रा बनाए रखें। डायबिटीज़ की हर एक थाली में एक कटोरी सैलड होना बहुत ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ फिशेस होते हैं जैसे कि सैल्मन, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा बहुत अच्छी होती है।
ओमेगा 3 फैटी एसिड को कंज्यूम करके आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हार्ट को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को गुड फैट कंज्यूम करना चाहिए। गुड फैट यानी कि मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी फैट्स, ये एवोकाडो, नट्स, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल के द्वारा मिल सकता है। लेकिन फैट्स बहुत ज़्यादा ना खाएं। किसी भी टाइप की फैट्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ सकती है, जो अल्टीमेटली हानिकारक हो सकता है। अगर एक डायबिटिक इंसान की थाली रखी जाए, थाली तैयार की जाए, तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने एक सिंपल प्लान कहा है। थाली के आधे हिस्से में नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स रखें, जैसे कि स्पिनच, कैरेट्स, ऐसे वेजिटेबल्स रखें। बाकी के आधे हिस्से के दो हिस्से बनाएं। एक हिस्से में प्रोटीन से भरपूर चीज़ें रखें, जैसे कि लेग्यूम्स, पल्सेस, फिशेस जैसे टूना, मैकरेल, ऐसे फिशेस रखें। आखिर के वन फोर्थ हिस्से में होल ग्रेन आइटम्स को रखें, यानी कि होल ग्रेन रोटी, मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर राइस, ऐसी चीज़ें रखें। गुड फैट को भी हल्की मात्रा में ज़रूर यूज़ करें। पानी या फिर डेयरी आइटम को या फिर एक फ्रूट को भी इस थाली में अकोमोडेट करके इस थाली में इंक्लूड करें। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अपनी कैलोरीज को, अपने कार्बोहाइड्रेट्स के इनटेक को काउंट करें। ओवर ईटिंग पूरी तरह से अवॉइड करें। अगर आपको डायबिटीज़ कैसे प्रिवेंट करनी है इसकी जानकारी चाहिए हो तो हमारा डायबिटीज़ प्रिवेंशन का वीडियो भी ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारी डायबिटीज़ की सीरीज़ के सारे वीडियोज़ देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।